नहीं मैं तब भी नेता था और अब भी नेता हूं और मैं ये बोलता हूं कि देखिए राजनीति को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि यह एक ऐसी चीज है जिसमें घुसना नहीं चाहिए लेकिन हम क्या खाते हैं क्या पहनते हैं किससे शादी करना चाहते हैं आ, किस शहर में रहना चाहते हैं ये सब हमारी राजनीति डिसाइड करती है तो मुझे ये लगता है कि मैं तो राजनीति सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं होती आज जरूर मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहा हूँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स राजनीति का एक छोटा हिस्सा होता है तो मैं तो अपने हर दोस्त से अपने हर परिवार के परिवार से अपने जितने मिलने वाले सबसे कहता हूं कि राजनीति का हिस्सा बनिए राजनीति का हिस्सा बनने का मतलब है सही को सही कहना गलत को गलत कहना और उन चीजों के लिए आवाज उठाना जो आपको लगता है हमारे देश के संविधान के खिलाफ है आपको लगता है कि शायद ये भारत जो खूबसूरत जो देश है हमारा और जिसमें हर गुलदस्ते का फूल लगाया जाता था एक सपना मुझे अभी भी याद है जब भी मैं 1947 में वेस्टर्न Uh, किताबें जब पढ़ता हूं तो वो ये कहते थे कि भारत तो देश बन ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे धर्म अलग है यहाँ पे जात अलग है यहाँ पर पॉवर्टी बहुत है लेकिन भारत जो है हिंदुस्तान एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया के सामने कि एक धर्म से देश नहीं बनते एक जो देश एक धर्म से बने आप उनके हाल देख लीजिए पड़ोस में ही देख लीजिए आप हाल तो हमारे देश तो मॉडल है और मैं उसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो सपना महात्मा गांधी जी ने जो सपना बी आर अम्बेडकर साहब ने जो सपना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जवाहरलाल नेहरू साहब ने देखा था उसको बचा के रखना है तो इसलिए मैं राजनीति में हूं और मरते दम तक राजनीति में रहूंगा ताकि उस सपने को बरकरार रखा जाए और बहुत ही सही शुरुआत भी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव अच्छा ये बताएं बरेली का लड़का बॉम्बे मुंबई आकर के अनुशक्ति नगर को कैसे आपने आ, मतलब अनुशक्ति नगर ही क्यों क्योंकि से जुड़ाव था इस वजह से या फिर कोई और डायनामिक प्ले में था देखिए बम्बई की यही खूबसूरत है जो जहाँ से आता है उसको अपना बना लेती है बम्बई वही शहर है जहाँ आके अब मुझसे बम्बई छूटता ही नहीं है जब <laughs> मैं आया था तो मैंने सोचा था एम फिल और उसके बाद पीएचडी करने कनाडा वनेडा कहीं अच्छी जगह जाऊंगा पीएचडी का ऑफर भी आ गया लेकिन बम्बई छूटा नहीं तो अनुशक्ति नगर इसलिए मुझे लगता है कि आप चुनाव वहां से ले लें जहां आपका काम हो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मैंने चुनाव लड़ा यहां पर आपने देखा सड़कों पे जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ी उसके बाद मैं इन्वॉल्व हो गया क्योंकि मैं एमिस्ट वार्ड में इन्वॉल्व हो गया लोगों के काम करना चालू कर दिए लोगों को लगने लगा कि देखिए धोखा मिला है इलेक्टोरेट को अनुशक्ति नगर की इसलिए धोखा मिला है कि सेकुलर और कम्युनल हार्मोनी और छत्रपति शिवाजी महाराज की कम्युनल हार्मोनी और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर वोट मांग के कुछ लोग उनको धोखा देके उन लोगों के साथ चले गए जो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अच्छा आप तो नाम लेने पड़ेंगे राजनीति में कुछ लोग बताएंगे सबको पता है कि देखिए नवाब भाई हमारे बड़े हैं और मेरी लड़ाई उनसे नहीं है मेरी लड़ाई सना मलिक से नहीं है वो मेरी बहन है मेरी लड़ाई बीजेपी से है अच्छा मुद्दों की बात करते हैं अनुशक्ति नगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं नवाब मलिक की बेटी सना मलिक आपके सामने चुनाव लड़ रही हैं शिंदे सेना के भी कैंडिडेट वहां से हैं कौन से मुद्दों के नाम पे आप वोट मांगने जाएंगे देखिए मुद्दों का ऐसा है कि सबसे पहला मुद्दा है धोखा सबसे पहला मुद्दा है गद्दारी मुझे याद है कि जब चोरियां होती थी पहले तो रात में चोरियां हुआ करती थी अच्छा बनियान गैंग नाम से लोग मशहूर होते थे अब दिन दहाड़े चोरी हो रही है शरद पवार साहब की पूरी जिंदगी की मेहनत इस देश के सबसे कद्दावर नेता की जिंदगी की मेहनत जिंदगी के उस पड़ाव में उनको धोखा दिया गया जब शायद वो उतने एनर्जेटिक आदमी आपको पता है जब वो भाषण देते हैं तो बड़े बड़े लेकिन फिर भी उनको जिंदगी को उस पड़ाव में उन लोगों ने देखा दिया जिन्होंने सवारा है नवाब मलिक साहब को मंत्री बनाने का काम किसी ने सबसे पहली बार किया था शरद पवार साहब ने किया था तकलीफ है जब नवाब मलिक भाई जेल में थे तो सुप्रियता ही सुले उनके परिवार का ध्यान रखती थी मेरे कार्यक्रम में आई तो उन्होंने इस बात को बोला था इस 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 मेरा मुद्दा ये धोखा है और ये सिर्फ धोखा मुद्दा नहीं है यहां पर अणुशक्ति नगर में आप मेरे साथ अगर चलती तो मुझे बहुत खुशी होती लेकिन शायद बहुत चक्कर काटे हैं और आपके नहीं जब कोविड में वो नहीं आप, नहीं, आप, आप भारत नगर चलिए भारत नगर में कुछ दिन दिन पहले लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी ठीक है वहां पर पीने का पानी मैसर नहीं है लोगों को राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट एंड इन दैट राइट टू वाटर लाइक इट अटैच विद द राइट टू लाइफ ओनली राइट टू वाटर दे डोंट हैव इवन द वाटर टू ड्रिंक ओके द वन माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स हैज़ हैजन सम्वेंटी गैलन का अपने सरपेट बीस किलो का पानी का वो लेके बीस लीटर का सॉरी और वो उसको ऊपर चढ़ के जाते हैं मैं जब देखता हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यू स्पोक नवाब मलिक आपने नवाब मलिक के बारे में बहुत बात की है अच्छा मुझे एक बात बताइए अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है ये भी हो सकता है कि वापस से अजीत पवार और ये ये हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं है इसमें से ये सारी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल मुमकिन है अब महाराष्ट्र में हो सकता है अजीत पवार वापस से अपने पुराने खेमे में लौट आए तो फिर ये, ये कैसे आप लोग इसको मैनेज करेंगे अभी फिलहाल जिनकी बुराई की या फिर जिनको क्रिटिसाइज करें बुराई रॉन्ग बुराई एक्ट मैंने, मैंने exactly. अगर वो बीजेपी में चले जाए तो मैं क्या करूं मेरी लड़ाई हूं जिनको आप क्रिटिसाइज जिनको अभी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके साथ वापस हाथ मिला के काम करना ये सब ये कैसा ऐसा है आई बिलीव दैट द मोस्ट सर्टेन थिंग इन पॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी बट दैट टाइम गॉन 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 इफ इफ यू यू नो नो इज इज इट बिकॉज नाउ द पीपल हैव डिसाइडेड इट्स नॉट अबाउट द पोलिटिकल लीडर्स इफ पोलिटिकल लीडर्स ट्राई टू फेल अगर पोलिटिकल लीडर्स को अपनी जनता की नफ्ज नहीं समझ में आई और जनता के नफ्स के खिलाफ अगर उन्होंने फैसले लेने शुरू कर दिए तब को लेफ्ट चालू हो जाता है अच्छा उसके अलावा देखिए आपकी जो आ, धर्मपत्नी है वो भी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं और मेरे ख्याल से बॉलीवुड की सबसे ज्यादा यू नो वोकल पर्सनालिटी तो वो भी हमें कैंपेन में बिल्कुल वो तो चालू हो गई हैं वो तो <laughs> टिकट मिलने से पहले कैंपेन में चालू हो गई तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आज जो पूरी पूरी मैपिंग पूरी इंटेलिजेंस क्योंकि मैं तो भाग रहा हूँ तो वो सारी चीजें संभाल रही है आपको बहुत जल्द वो कैंपेन में दिखेंगी और आप आइएगा उनको कवर कीजिएगा क्योंकि दो टीम है अब टीम स्वरा एंड टीम फहार सो वी हैव डिवाइडेड अवर एनर्जीज एंड शी विल बी हंड्रेड परसेंट इन द आई मीन फ्रॉम टूडे शी इज स्टार्टिंग द कैंपेन सी इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव टू हैव सच एन इंटेलिजेंट वाइफ यू नो शी इज नॉट माय वाइफ शी इज माय कॉमरेड शी इज माय फ्रेंड देन शी इज माय वाइफ बिकॉज वी मैरिड जस्ट बिकॉज वी वर फ्रेंड्स एंड वी वर कॉमरेड्स सो माय कॉमरेड इज हेल्पिंग मी टू लाइक विन दिस सेलेक्शन टू मी नॉट टू हसबेंड का कहबैंड को तो घर में उठा के दो डांट मारेगी चुप हो जाएगा लेकिन उसको ये चिंता है मेरा कॉमरेड नहीं हारना चाहिए समाजवादी पार्टी लीडर बट नाउ इज कंटेस्टिंग फ्रॉम अनुशक्ति नगर ऑन एन एनसीपी एसपी टिकट and he will face Nawab Malik's daughter Sana Malik who is also uh, from NCP but the NCP Ajit Pawar faction in Mumbai with camera person Swapnal. This is Santya for CNBC TV 18. Hey thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates Follow CNBC TV18 on all the social media platforms.